राधे राधे दोस्तों, प्रीति चौरसिया ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दिव्यांगता अभी सपने बढ़ाने, कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ से बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। दोस्तों सुबह हो गई है, 5 बज गया है, बच्चे लोग सो रहे हैं, बस यहाँ पे हम लोग हैं। पिछले ब्लॉग में आप लोग देखे कि मैं जन्माष्टमी की तैयारी कर रही थी, यानी रील्स वगैरह बनाने का, तो कितना कुछ हो गया मेरे घर में, है ना। तो आज किसु के स्कूल में सेलिब्रेशन है जन्माष्टमी का। मैं रात में जो हुआ ना, यानी कि कल, उसके बाद मेरा इच्छा नहीं कर रहा है कि मैं किसी को तैयार करूं। फिर सोच रही हूँ, दूसरों की वजह से हमेशा तो अपना ख़राब करते आई हूँ, अपना अपने बच्चों का। ये लोग तो यही चाहता है कि मेरा लाइफ में कभी कुछ हो नहीं, मेरे बच्चों कभी खुश नहीं रहे, हमेशा यही चाहता है। आप लोग को भले लगता होगा कि हस्बैंड वाइफ है, बट मैं जानती हूँ कि सबसे बड़ा मेरा जो दुश्मन है ना, वो यही है। अदरवाइज़ मैं बहुत जगह पहुँच गई रहती, बहुत आगे निकल गई रहती, लेकिन यही नहीं मुझे आगे बढ़ने दिया, ना बढ़ने देना चाहता है। जो गलती हो गई है मैं वापस दोहराऊँगी नहीं। सब्जी तक नहीं लाता है, अभी तक मेरे घर में कुछ है नहीं सिर्फ आलू के अलावा। तो जा रही हूँ, बर्तन भी निकल धुली हूँ, कब धोऊंगी? इतना सजना धजना, उसके बाद फिर बात इतना सारा रायता फैल जाना, बहुत सारा काम हो जाता है दोस्तों, बहुत सारा। तो कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ ईश्वर मेरे साथ है, और जितना परेशान करना है करने दीजिए, सबको मिलता है, और सब इतना ही परेशान होंगे, इससे भी ज़्यादा होंगे। तो अभी फटाफट से मैं पहले जाती हूँ बाथरूम, फिर नाश्ता बनाऊँगी और बच्चों को उठा कर तैयार कर दूँगी, है ना। मेरा बच्चा स्कूल जाएगा, वहाँ पर मस्ती करेगा सब लोग, और रात में खाना नहीं दिए, बनाए नहीं तो खाएगा क्या? बस बच्चों का रखे थे दोपहर का खाना, बच्चों को खिला के सुला दिए, बस मज़ा आ गया होगा। रोज़ रोज़ गर्म गर्म रोटी खाता था ना, इसीलिए चर्बी चढ़ गया था। बहुत ज़्यादा मच्छर है दोस्तों बाथरूम में, देख लीजिए बाथरूम इतना गंदा रहता है ना, इतना गंदा रहता है, मैं रोज़ धोती हूँ रोज़, लेकिन बच्चे से बड़े तक मुझे इतना परेशान करते हैं। चप्पल पहन के आते हैं, पूरा इधर मिट्टी उट्टी सारा से गंदा हो जाता है मेरा बाथरूम। और सोचिए वैसा ही घिना है जगह पे मैं बर्तन धोती हूँ, जहाँ पे ना आप लोग हाथ पैर धोना पसंद नहीं करते। कितना करूँगी मैं, आप लोग सिर्फ जवाब दो, मैं कितना करूँगी और क्या क्या कर सकती हूँ? सिर्फ किसी को उसकी डिजेबिलिटी के आधार पर जज कर देना उसको फिजिकली, ये गलत बात है। आप उसको अगर कह रहे हैं तो उसको वो चीज समझना होगा। कोई इतना सा भी डिस्काउंट नहीं है मेरे प्रति कि हाँ तुम ऐसी हो तो छोड़ दो, वो काम मैं कर देता हूँ, और अगर मैं कर भी रहा हूँ तो ऐसा कर रहा हूँ कि दोबारा तुझे करना ना पड़े, है ना। ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर किस बेस पे मैं किसी को बर्दाश्त करूँ? मैं जब बाथरूम घुसती हूँ ना, मेरा माथा खराब हो जाता है। कभी तो नहीं कहेगा कि लाओ साफ कर देते हैं, झाड़ू मार के जाए तो पूरा साफ करके, बस एक जग पानी ऐसे उछल देगा, हो गया साफ है। बाथरूम देखिएगा वैसा ही गंदा, इधर वैसे ही गंदा, बच्चा वाला घर कैसा होता है? बड़ा को तो, बच्चा को तो समझा समझा के थक जाते कि स्लीपर लेके इधर मत आना। बच्चा लोग तो कर ही देता है गलती, मगर ये खुद भी चप्पल पहन के दोनों रूम में घुस जाएगा, बाथरूम में घुस जाएगा। आप बताओ, ये परेशान करने के लिए नहीं करता तो और क्यों करता है? इसकी एक एक चीजें मैं दिखा दूंगी ना, नफरत हो जाएगा आप सबको ऐसे आदमी से कि एजुकेटेड होते हुए भी एकदम ऐसे करता है ना, जैसे कि जाहिल है, जिसको पता नहीं है कि जम्स कितनी छोटी छोटी होती है, इसको आंखों से दिखाई देगा। और यदि आप बोल भी दोगे ना, ऐसे हंसेगा ना जैसे कि आपने कुछ बहुत ही मतलब लोभ किस्म का बात कहा हो, और ये बहुत हाई लेवल का थिंकिंग वाला है। यही 4 आलू है दोस्तों, इससे ज़्यादा आलू मेरे घर में है नहीं। 1 केजी आलू आता है, बार बार बोलूँगी मैं, 15 दिन मुझे चलाना पड़ता है, आप खाइए या फिर सूंघिए, लेकिन 15 दिन है ना। और जब आलू आप वापस मांगोगे तो आपको बोला जाएगा, अरे कल ही तो लाए थे। उसको ये भी याद नहीं रहता है कि घर में छोटे छोटे बच्चे हैं और आलू लाए मुझे कितना दिन हो गया है। मैं रोज़ ये छोटी छोटी बातें आप सबको बताऊँगी ना, तो आप लोग कहोगे कैसे कोई एडजस्ट करेगा यार, तुम मजाक करती हो, ऐसा आप लोग का सोच होगा। मगर मेरी माँ जानती है कि मेरे घर में क्या होता है क्या नहीं होता है, मैं क्या खाती हूँ क्या नहीं खाती हूँ और कैसे जिंदा हूँ, ये सारी मेरी माँ को पता है। ऐसे ही वो अपने घर से खरीद के 4 केजी आलू नहीं भेज देती है और 1 केजी 2 केजी सब्जी नहीं भेजती है। इसके पीछे भी वजह है दोस्तों, तभी वो भेजती है। और जिनके पास दिमाग होगा ना, वो जरूर सोचने पर मजबूर होते होंगे। किसु तैयार हो गया है और किसु देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, रुको एक बिना टक्का लटे को दिखाने दो, और किसु कितना सुंदर लग रहा है। और किसु स्कूल जा रहा है आज, किसु स्कूल में सेलिब्रेट करेगा ना किसु। और किसु का ड्रेस हम मंगा चुके थे परसों ही, है ना किसु?
कृष्णा। अच्छा से बांसुरी भी बजा के दिखा रहा। एक बार बोलो जय श्री कृष्ण। बोलो शिशु लिपस्टिक मिटा लिया। जा बेटा धीरे धीरे सब मिट जाएगा, धीरे धीरे गिरदा नहीं, ठीक है? और लंच दिए खा लेना हाँ, ठीक है किशु? अभी फोटो खींचेगा, उधर जाएगा ना तो अपना फोन से फटाफट से खींचेगा और लगाएगा फेसबुक में, व्हाट्सएप में, और दिखाएगा कि मेरा कृष्णा देखिए तैयार हुआ है, कृष्णा बना है। वही हमको अच्छा नहीं लगता है, लोग क्रेडिट लेने में कितना आगे हो जाते हैं और उसके पीछे का जो मेहनत होता है, जो करता है, जो एक एक चीज़ लगाता है, उसको पता है ना एक्चुअली मेहनत क्या होता है। बाकी लोगों को क्या है, बाकी लोग को तो बस थोड़ा सा तो वाह वाह ही लूटना है और कॉपरेट नहीं करना है, कोई कर रहा है तो उसको करने नहीं देना है। हाँ अभी मैं इतना परेशान थी ना, मन कर रहा था रात भर में एक घंटे में सिर्फ मैं डिसाइड की हूँ सुबह सुबह कि नहीं बच्चे का ख़राब नहीं करना है भाई, बच्चा का फिर ये सब समय वापस लौट के नहीं आएगा। हमारे समय में तो ये सारी चीज़ें थी ही नहीं, है ना? हम तो जानते ही नहीं कुछ भी, और मैं तो कुछ भी नहीं जानती हूँ। समय था भी तो मेरा तो बहुत ख़राब स्थिति था, इसीलिए मैं अपने बच्चों को सारी चीज़ें देती हूँ। तो बस दाल चावल, चावल बनाना बाकी है, रोटी और भुजिया बना लिए हैं। मेरे घर में आज वो खाना नहीं खाएगा, उसके लिए हम खाना नहीं बनाएंगे। वो कहाँ है? वो बैठे हैं बाहर। किसके पास बैठा है? सरवन अंकल के साथ। इधर आओ, कहाँ कर रहा है बैठ के? क्या अपने बॉस से बात कर रहे हैं ऑटो में बैठ के। और क्या लेके आई हो तुम? टॉफी लेके आए। फोटो खींचा है बाबू का वो? हाँ स्कूल में। रील भी बनाया है ना, कल एक फोटो खींचे। चलो मेरा ब्रश लाओ, ब्रश लाओ, बहुत सारा काम है। ये देखिए चेयर में ढेर सारा कपड़ा रखे है सारा, देख रहे हैं ना? कई दिन से सोचे रखेंगे रखेंगे, बस सोच ही रहे हैं, तो आज ये सोच ख़त्म कर देंगे क्योंकि आज शगुन घर पे है, छुट्टी है इसका, तो इसका मदद लेंगे क्योंकि कुछ कपड़े गोदरेज में रखना है, कुछ रैक में रखना है। तो रखने से पहले दोस्तों इसको अच्छे से धूप उप लगा लेंगे क्योंकि आज बहुत अच्छा धूप है और बहुत दिक्कत हो जाता है हमको। सबसे ज़्यादा दिक्कत है कपड़ा सुखाने में, सबसे ज़्यादा दिक्कत है। जो है सो है। और हम लोग भी जल्दी जल्दी नाश्ता वास्ता करते हैं और फिर बहुत सारा कुछ कुछ काम है वो सब भी आप सभी के साथ शेयर करेंगे। बनाना नहीं है मगर बैठ के हक से खाना है, है ना? कोई इन लोग से सीखे बेशर्मी पना, जिसमें नहीं है वो वाला दिखा रहा है। देख लो तुम ये जिसमें। हम नहीं तुमको छूते हैं, हम कैसे गंदा आदमी को जिसमें है उसी में देखो। शगुन को बुला। हम काहे शगुन को बुलाएंगे, दो पैसा दो। बहुत दिमाग खराब, चलो ना हमको दे देना, बता रहे QR करके ना। गंजी के जा रहा है बनियान के बिना, ठीक है? बीबी से लेगा पंगा तो जाएगा नंगा, है ना? पैसा मांग रहे थे, पैसा तो हमको नहीं दिया। शगुन 100 रुपये पहले ही निकाल के ले आई थी मांग के उससे। चाहे यही सब चाहिए यार, इतना मेंटली प्रेशर, ऊपर से ये सब भी छोड़ दो तो साला मर जाएगा आदमी सर दर्द से। पैसा किसको ना चाहिए, बिना पैसा का अभी इतना सारा काम फंस रहा है, खा के गया अभी घर द्वार, अभी सब साफ सुथरा करना है हमको, बैठल थे इसी के जाने के लिए, आज लेट से जा रहा है। देख रहे हैं यहाँ उस रूम इस रूम, कितना काम करेगा आदमी। किसी को लेने के लिए भी टिप 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 बारिश भी हो रही थी और अभी धूप है जोर से रहा। लिटिल कृष्णा, क्या नाम है बाबू? आयुषी कुमारी। कुमार? अच्छा कुमार, बाल बड़ा बड़ा है आयुषी कुमार का। आयुषी नहीं है, आयुष। अच्छा जा तुम लेके आ बाबू को, और कुछ कृष्ण लोग हैं जो वहाँ पे बैठे हैं। ओ रहा आ रहा कृष्णा। लंच खाया था कि नहीं बता पहले? पूरा फिनिश? और मुँह भी नहीं धोया गंदा किया, हाथ भी पानी क्या मिला था इसको? बोतल बोतल मेरा बोतल बोतल कहाँ है बेटा? स्कूल में। जा आंटी से पूछ के आ सकूँ? जा जा ना, वो पिंक वाली आंटी को बोलो ना, जा ना, शर्माती बहुत है तुम। बोलो कि आंटी एक बोतल था उसका हाथ धुलाएंगे। क्या खाया बेटा? चॉकलेट। चॉकलेट मिला था वहाँ पे? अच्छा यहाँ पे प्रोग्राम हो रहा था धूप में, डांस हुआ, सब लोग डांस किया, छोटा छोटा बच्चा लोग। देखिए प्यारी प्यारी राधा रानी बन के आई है सब लोग, कितनी सुंदर सुंदर राधा रानी है, परी बन के आई है कोई, देखिए क्यूट क्यूट है, लिटिल लिटिल एंजल लोग है। ए देखो सब सुंदर सुंदर बच्ची लोग है ना, किस सुंदर सुंदर। तुम हाथ मत चाटो, बहुत जोर से धूप है, बहुत जोर से एकदम।
बैठाने जा रहा है। एक देखिए छोटी सी राधा, क्या क्या है नाम? हाथ मत चाटो, हाथ मत चाटो। एक कृष्णा रो रहा है। अच्छा सर, रब करो रब करो। हाँ हो गई, मुंह धो लो बेटा। थैंक यू मैम। क्या करेंगे, जोर से बोल। मम्मा क्या करें, बोलो ना। पेट्रोल चाहिए। हम अभी गए थे पीछे पेट्रोल भराने के लिए। पेट्रोल तो नहीं भरा क्योंकि वहाँ जब जाते पेट्रोल ही ख़त्म रहता है। इतना दूर आने के बाद पता चलता है पेट्रोल नहीं है। अब यहाँ पे हम सोचे कि बच्चों लोग को जूस पिला दे, और जूस इतना महंगा महंगा है ना। मौसमी है 50 रुपये और संतरा है 90 रुपये और ऊपर है 150 वैसे ऐसे करके। अब हमारे हिसाब से तो कोई हमारे लायक नहीं है। पीछे वाली तो पीना नहीं चाहती है, उसको पसंद नहीं है जूस फूस, लेकिन ये बच्चा पीना चाहता है। ए भैया फटाक से दे दीजिए ना मौसमी वाला है। अच्छा ऑरेंज, हमको पता नहीं है, ऑरेंज बोल रहे 150 रुपये। 150 रुपये के जी है क्या भैया? ऑरेंज 150 रुपये के जी है क्या? हाँ 90 रुपये। 100 रुपया हमको पता भी नहीं ऑरेंज क्या महंगा है सस्ता है। 150 तो बोल दिए, छोड़ दो 150 नहीं लेंगे हम। भैया 100 रुपये लगा देंगे। भैया संतरा किसको पूरा चिल्ला रहा, संतरा संतरा। और ये भी दुकान वाले भैया को बोल रहा 100 रुपया लगा दीजिए, क्योंकि हम लोग एक जगह से आ गए हैं। और ये भैया बोल रहे 160 रुपये। सही सही बोले ना भैया, 150 से कम नहीं। थोड़ा कम ऊपर नीचे करिए ना। हाँ बोली नहीं हुआ 140 भैया बोल रहे छोटा वाला रहता तो हम दे देते, हम जिद भी नहीं करते अगर मेरे पास भी होता तो। अच्छा दीजिए 140 लगा दीजिएगा, आधा के जी दीजिएगा। अच्छा अच्छा दीजिएगा ना भैया। अब खुश हो गया? ओए संतरा ले गया, हाँ पकड़ लो। यहाँ से एक पाव बैंगन ले रहे हैं। खीरा कैसे चचा? 10 रुपये पाव। अच्छा एक पाव खीरा भी दे दीजिए तो। अच्छा लग रहा है किसू, इधर देखो अच्छा लग रहा है। गिरेगा बेटा कपड़े में, इतना जोर बादल गरज रहा है ना, लग रहा है कब बरस जाएगा। हम लोग तो जो गुपचुप खा रहा था बच्चा लोग तो बूंद बूंद टपक रहा था, लेकिन फिर बारिश नहीं हुआ वहाँ पे। लेकिन हम लोग थोड़ा देर इधर उधर रुके, उसके बाद फिर आए पेट्रोल भरा लिए और आए। फिर क्या है बोले दोस्तों, इतना महंगाई में क्या खाइएगा, क्या बच्चों को खिलाइएगा। अब मुझे तो बहुत अफसोस लगता है, मैं अगर 50 रुपये भी अपने ऊपर खर्चा कर लूँ ना तो पता नहीं क्यों अजीब लगता है। ऐसा लगता है मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया, मुझे नहीं करना था। आप लोग देखे 100 रुपये लिए थे सुबह हम, तो उससे बच्चों को गुपचुप खिला दिए और सब्जी ले लिए, है ना, और सब्जी ले ली दोस्तों और गुपचुप। और बाकी संतरा जब ले लिया तो मेरे पास 100 ही रुपये था, तो क्या करें क्योंकि 70 रुपये का संतरा ही हो गया था आधा के जी। और पेट्रोल भी भराना था, ये तो मना किया लेकिन हम बोले भरा लेंगे क्योंकि हम बार बार बाहर नहीं आ पाते हैं जा पाते हैं। और तेल ख़त्म हो जाएगा, सोचे मेरी गाड़ी कहीं भी रुक जाएगी, फिर मैं गाड़ी को धक्का भी नहीं कर सकती हूँ, कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, है ना। इसीलिए फिर पेट्रोल भरवाने चले गए संतरा। ये दो चीज़ का पेटीएम वही किया है, संतरा का करवा लिया उससे और तेल का वही करवा लिए उसी से। इसी तरह चल रहा है मेरी ज़िंदगी दोस्तों, घिसी पीटी। बहुत बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं हम, आप सबको जितना दिखा नहीं सकते उससे कई गुना ज़्यादा कर रहे हैं। और बस वो ईश्वर देख रहे हैं, जब मैं कैमरा पकड़ के ऐसे बैठती हूँ इसके दौरान मैं कितना कुछ संघर्ष कर रही होती हूँ, ये सिर्फ मैं और मेरा ईश्वर जानता है। किसु आ गया बाथरूम से, संतरा नहीं पहले दाल भात बनाए है तुम्हारे लिए। दाल भात, रुको 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 खोल रुको, दाल भात बनाए है, दाल भात खाओ भूंजे, उसके बाद काम करेंगे दोस्तों। सारा कपड़ा जो तय करके रखना वो रख लेंगे हम और सगुन, और उसके बाद फिर
तब तक फिर संतरा बाद शाम में खिलाएंगे, ठीक ना सगुन? संतरा हम लोग खाएंगे बाद में, अभी कपड़ा उपड़ा रखेंगे, बोले है ना, फोल्ड करेंगे, तुम रखने मदद करना। बाय दोस्तों, जल्दी मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।